गाइस गुड मॉर्निंग। चाय का समय हो गया है, चाय पी रहे हम। और मैं छोटा बेटू को पकड़ के लाया हूँ, देख लो क्या कह रहा है वो। चाय चाय पीगा? क्यों नहीं पिएगा? चाय पीनी पड़ेगा बेटू, चाय पिएगा? चाय पी भी? हाँ चाय पिएगा भी? चाय नहीं पिएगा? बिकू बिस्कुट खाएगा? बिस्कुट खाएगा? बिस्कुट ले, बिस्कुट 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 खानो, बिस्कुट बिस्किट ले जाए। चाय 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 बिस्किट बिस्किट खानो, बिस्किट खानो। हेलो गाइस, गाइस आज आप बताऊंगा, बारिश आ रही सुबह से, देख लो कितना हरा भरा लग रहा है यहाँ से, यहाँ का नज़ारा। तो गाइस आपको बताएंगे बारिश आज कितनी अच्छी बारिश आ रही है, सुबह से बारीक बारीक छींटे गिर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो बताएंगे आपको बारिश का नज़ारा। देख लिया आपने, ऊपर छत पे पड़े गमले कितने हरे भरे हो रहे हैं, और ऊपर कितना पानी जमा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी चारों तरफ छाया है, और गाइस चारों तरफ हरियाली है, बारिश का मौसम है। देखो नीम कैसे हरा भरा है, ये नीम देख लो आप कितना हरा भरा है, बहुत सारे पेड़ अभी हरे भरे हो गए हैं। तो गाइस आपको दिखाऊंगा पीछे वाला, पीछे हमारा बाड़ा है वो दिखाऊंगा आपको। तो गाइस देखिए, गाइस आपने देख लिया होगा कि बहुत सारी हरियाली है, और बारिश आने से चारों तरफ हरियाली हरियाली हो चुकी है, लालिमा छा चुकी है, और बारिश जैसे बूंद बूंद आ रही है, बहुत धीरे धीरे मंद मंद बारिश छिट्टे आ रहे हैं, जिसे बहुत अच्छा लग रहा है। और पेड़ पौधे जल्दी से पनपुर रहे हैं, और जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं गाइस। और हमारे पीछे भी आपने देखा होगा बहुत हरियाली है, और यहाँ पे बारिश आने से, इतने दिन बारिश नहीं आ रही थी, 2-3 दिन बारिश आने से चारों तरफ हरियाली हो चुकी है। तो गाइस ऐसे ही बारिश आती रहे, और चारों तरफ हरियाली का माहौल हो, और पेड़ पौधे भरे भरे हो जाए। तो गाइस बारिश बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइस आगे और देखेंगे आगे का नज़ारा कैसा दिखता है बारिश में। तो गाइस ये हमारी डिक्स है, और ये पहले चलती थी, अब कोई टीवी देखता नहीं है, टीवी खराब हो गई बारिश में, पानी गिर गया तो अब कोई देखता नहीं है गाइस। तो ये ऐसे पड़ी हुई है, और हम टीवी चलाते नहीं है, फ़ोन से वीडियो देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं। तो गाइस टीवी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आपको बताएंगे। तो गाइस
गाइस आपने देख लिया होगा, ये है हमारा चूल्हा जहाँ रोटी बनती है और जहाँ पे रोटी बनती है। लेकिन ये कभी कभार बनती है जब मूड हो जाता है ऊपर बनाने के, ऊपर बनाए तो यहाँ पे बनता है, नहीं तो हमारा गैस है, गैस पे बनती है रोटी। और कोई बनाना चाहे तो इस पे बना सकता है, देख लो चूल्हा। लेकिन हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं, हम गैस पे ही बनाते हैं रोटी। तो गाइस ये तो ऐसे रखा हुआ है पुराना रिवाज के हिसाब से, और ज़रूरत पड़े तब बना लेते हैं, जब गैस ख़त्म हो जाता है तब ये काम आ जाता है। लेकिन एक दिन के बाद भरा देते हैं गैस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तो भी इमरजेंसी के लिए चाहिए होता है ये, तो चाहिए इसलिए रखा हुआ है। तो गाइस मैं बैठा हूँ यहाँ पे बालकनी में, और बारिश आ रही है, छींटे गिर रहे हैं, और ये दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक सा, ये मैं लाया था। हेलो गाइस, मैं आपको बताया कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बताऊंगा आपको, मैं वो है हमारा लैपटॉप जो हमने 1 साल पहले खरीदा था, और वो करीब 12 हज़ार रुपये का जो मैंने हमने ख़रीदा, 12 हज़ार रुपये का जो आपको बताऊंगा, सेकंड हैंड लिया था मैंने। बहुत उस समय बहुत दिलचस्प था कि लैपटॉप लें, हम भी चलाएं, कैसा लगता है, कैसा अच्छा रहेगा, चलाने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों के पास देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने भी ख़रीद लिया। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो थोड़े दिन बाद उसका कोई अहमियत नहीं रहता है, इसलिए मैंने ख़रीदा था। लेकिन अब मैं उसको चलाता नहीं हूँ, ऐसे पड़ा रहता है, एक कभी कभार चला लेता हूँ लेकिन ऐसे पड़ा रहता है। जब मोबाइल नहीं था तब चलाता था, अब मोबाइल आ गया है तो मोबाइल से ही काम करता हूँ, और लैपटॉप पड़ा रहता है, आपको बताऊँगा। तो गाइस देखिए, हेलो गाइस, तो देख ले, ये है हमारा लैपटॉप, देख रहे हो आप, ये भाई चलाता है, देखो सॉन्ग सॉन्ग वोंग सब चला रखे हैं भाई ने, तो हम तो चलाता नहीं हूँ, HP का है। और तो गाइस आप देख रहे हैं कि इसका डिवाइस नेम है डेस्कटॉप 1LH519S, प्रोसेसर है AMD AC7310 और APU विथ AMD रैंडम R4 ग्राफिक 2.00HZ। इंस्टॉलर रैम है 4.00 GB, 3.46 GB, 7 प्रोसेसर आईडी है, और काफ़ी सारे ही है ये। और हमने तो देख लिया, देख लो गाइस, ये है हमारा लैपटॉप का जो पूरा अबाउट, जिसका बायोग्राफी है ये। आपने देख लिया, लैपटॉप पूरा देख लिया है, और इसका चार्ज यूज केबल यही इधर ही पड़ा है, वो तो आप सबने लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन चलो नेक्स्ट आपको गाइस आप देख रहे हो, ये है हर श्रृंगार का पौधा जो पहले सूख गया था लेकिन बारिश के समय वापस ये पनप गया है, और कितना हरा भरा लग रहा है। और ये पहले पानी कब मिलता था, जब सूख गया था, अब बारिश के समय वापस पानी लगने के कारण ये वापस हरा भरा हो गया है। तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, हम आ गए हैं नीचे बेड पर, आराम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ऊपर बारिश आ रही है और माहौल बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या बारिश से ज़्यादा लगने के कारण मुझे थोड़ी बुखार आ जाता है, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ, बारिश से कम रहता हूँ, और यहाँ पे पलंग पे सोया हुआ हूँ, क्योंकि हमने वो देखा था हर श्रृंगार का पौधा। लेकिन मेरे को पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे घर में पौधे ही पौधे हो, छोटे छोटे गमलों में पौधे, और बहुत सारे जो सजावटी पौधे होते हैं वो ला के लगाऊँ, घर में बहुत शुद्ध हवा आएगी, ऑक्सीजन की भरपूर ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी, इसलिए घर में पौधा लगाया जाए। और मुझे पेड़ लगाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे पास जाली वाली नहीं, तो मैं आसोपाल का पौधा लाता अभी, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे छोटे पौधे लाऊंगा, घर में लगाऊंगा, गमले में, बहुत घर में बढ़िया अच्छे लगते हैं, देखने लायक, और सजावट के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं, घर में डेकोरेट अच्छा होता है लगाने पर, घर में सारे माहौल एकदम हरा भरा लगता है, घर में बहुत अच्छा लगता है, और देखने लायक पौधे होते हैं, बहुत अच्छे सुहाने लगते हैं पौधे। गाइस हम आ गया हूँ दुकान के अंदर,
क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है और ग्राहक भी आएंगे, इसलिए मैं आ गया हूँ दुकान के अंदर। तो गाइस बारिश अभी आ रही नहीं है, अभी कहीं बारिश बंद हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, बारिश आएगी तब और आनंद लेंगे बारिश का। बारिश नहीं आ रही तब तक दुकान में ग्राहक को अटेंड करने के लिए, दुकान में मैं आ गया हूँ। अब गाइस नेक्स्ट, गाइस तो हम जा रहे हैं वैक्सीन लगाने, घड़ी 1:30 बज चुकी है, इसलिए वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। इतनी देर बारिश आ रही थी तो बारिश में कैसे जाए, इसलिए अब बारिश बंद हो चुकी है, अब जा रहे हैं वैक्सीन लगाने। 3 बजे तक खुला रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्या पता वैक्सीन 3 बज जाए और हम लेट हो जाए। गाइस आ गया हूँ मैं टीका लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए। गाइस तो मैं घर आ गया हूँ, टीका वीका लगा दिया है। गाइस हम आ गए हैं घर पे, वैक्सीन लगा लिए, तो अब चाय बनाएंगे और पियेंगे, और शाम का समय हो गया है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ऑल